चीन ने एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के भारत के प्रयास को विफल कर दिया है। इस पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कमजोर मोदी चीन के राष्ट्रपति से डर गए हैं। जब चीन भारत के खिलाफ काम करता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राहुल के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया और चीन की स्थायी सदस्यता के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। तो क्या सच में चीन को मिली स्थायी सदस्यता की सीट भारत की देन है? ये सच है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में चीन की स्थायी सदस्यता की सीट भारत की ही देन है। ये कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है। तब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना था, जबकि चीन इससे कुछ महीने पहले 21 सितंबर 1949 को जनवादी चीन बना। भारत चाहता था कि चीन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बने। भारत पाकिस्तान को इस्लामिक देश के तौर पर और चीन को कम्युनिस्ट देश के तौर पर मान्यता देने वाला प्रथम देश था। उस वक्त सुरक्षा परिषद की 4 सीटों पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस काबिज थे, जबकि 5वां सीट खाली था। पश्चिमी देश चाहते थे कि ये सीट भारत को मिले। वो नहीं चाहते थे कि ये सीट चीन को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चीन को स्थायी सदस्यता दे दी जाती तो परिषद में 2 कम्युनिस्ट देश हो जाते। लेकिन नेहरू ने चीन की वकालत की थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अब तक भारत के चीन के साथ रिश्ते अच्छे थे। ये वो समय था जब कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृहयुद्ध चल रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कम्युनिस्टों से घृणा करते थे। चीन के नाम की सीट 1945 में चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी चीन सरकार को दी गई थी, लेकिन गृहयुद्ध में चीनी कम्युनिस्टों की जीत हुई। आधुनिक भारतीय इतिहास और राजनीति के प्रमुख विद्वान AG नूरानी का कहना है कि ऐसे बहुत से कारण थे कि भारत चीन को स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता था। शीत युद्ध की शुरुआत में भारत किसी से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता था। भारत अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने के लिए PRC को सीट का समर्थन कर रहा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस समय शीत युद्ध शुरू हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ गया था। सुरक्षा परिषद में चीन को सीट देकर PRC को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकत्रित करना वास्तव में नेहरू की विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ था। नेहरू चाहते थे कि UN के चार्टर में किसी भी बदलाव और अन्य सदस्य को जोड़ने से पहले इसमें चीन को जोड़ा जाए। भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सीट चाहता था, लेकिन चीन की सीट के बदले सीट लेना भारत को कतई मंजूर नहीं था। बीजिंग में भारत के राजदूत ने जोउ इनलाई को यह जानकारी दी थी कि उनका मानना है कि ब्रिटेन और मिस्र PRC को चीन को सुरक्षा परिषद की सीट का समर्थन देंगे, जिससे उसे बहुमत मिलेगा। नेहरू की विदेश नीति के केंद्र में चीन था। वो नहीं चाहते थे कि चीन की जगह भारत ले। अमेरिका के प्रस्ताव के लिए इनकार करना भारत का उसके साथ कठिन संबंधों को भी दर्शाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।